हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी और आज हम उन थ्योरी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ये मैंने बुक ली है, यहाँ पे आपको कई तरह के प्रश्न मिलेंगे, बट यहाँ पे जो त्रिभुज से आधारित प्रश्न है केवल उनको ही हम सॉल्व करेंगे। तो पांचवा प्रश्न आपका पूरक संपूरक पे है, जिसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। छठा प्रश्न देखें, यहाँ पे त्रिभुज पे दिया है। क्या दिया है? एक त्रिभुज के कोण हैं जो एक संबंधी चार के अनुपात में है। त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यानी कि 180 अंश बटे में अनुपातों का योग। तो यहाँ पे आप इतनी चीजों को जानने से अच्छा कि डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाइए। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश बटे में अनुपातों का जो योग होता है उसे आप भाग देंगे तो आपको एक अनुपात का मान मिलेगा, और जिस कोण का मान पूछा होता है उसी अनुपात का आप गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ पे तीनों कोणों का मान बताना है, तो आप तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं, अनुपातों का योग क्या है? 4, 5, 1, 6। यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 से काटे तो 6 × 12 = 18, यानी कि क्या आया आपका 30। एक का मान आपको क्या मिला है? 30। इसी 30 में आप इन सबका गुणा कर देंगे, यानी कि 1, 1 और 4 गुणित्ते 30 कर देंगे। यहाँ पे भी 30 करेंगे और यहाँ पे भी 30 करेंगे, इनका जो मान आएगा वही आपके तीनों त्रिभुज के कोण बन जाएंगे। कर देते हैं तो 30 एकम यहाँ पे 30 ही आएगा, 30 एकम 30 और 4 × 3 = 12 यानी कि 120। ये आपके तीनों कोण निकल कर आ गए, एक कोण 30 अंश का, दूसरा कोण 30 अंश का, और जो तीसरा कोण बनेगा वो आपका 120 अंश का बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका सही हो रहा है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। सातवा क्वेश्चन है, सम कोण। आप देख रहे हैं नामकरण दिया गया है, एक्स वाई जेड में त्रिभुज वाई एक्स जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको z का मान 60 दिया है, y यहाँ पे जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल बना है ना, ये दिखाता है कि ये कोण कितने अंश का है, ये कोण 90 अंश का है। किसी भी त्रिभुज में अगर कोण का मान इस रूप में दिखाए तो आप समझ जाइएगा कि वो 90 अंश का है। तो 90 अंश का ये है और 60 अंश का ये है, तो टोटल कितने अंश हो गए आपके? 150 अंश हो गए। और तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए? 180, 150 आपको पता ही है, तो 180 में से 150 घर माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 30 आया। तो ये जो x का मान आपसे पूछा है वो कितना है? वो 30 अंश है। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तिर्यक रेखा पर आधारित है, जिसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज के कोण जो है वो 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रक्रिया आप अपनाएंगे, तीनों कोणों का मान क्या है? 180 अंश बटे में अनुपातों का योग। अनुपातों का योग हम करेंगे तो 5, 3, 8, 8, 2, 10। 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 8 80। तो क्या आया आपका? एक अंश का मान या फिर एक अनुपात का मान आपका 18 आया। इसी 18 में आप इन अनुपातों का गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 3 और 5। कितने का गुणा करना है? 18 का और यहाँ पे 18 का आप गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90। इन अनुपातों का योग अगर कर लीजिए, 180 आ गया, आपका कोण सही निकल गया। यानी कि कौन से कोण आपके कोणों का जो मान निकल कर आ रहा है कितने आया है? 36 अंश, 54 अंश और 90 अंश। 36, 54, 90 यानी कि ऑप्शन सी आपका देखिए यहाँ से सही है। आगे चलते हैं, कोण बता संपूरक कोण पर आधारित है वह कोण जो कि अपने संपूरक, ये भी पूरक संपूरक कोण पर आधारित हो, और ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आगे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। आगे देखिए जो आपके प्रश्न है वो है, यहाँ से जो आप प्रश्न देख रहे हैं, देखिए ठीक से देख नहीं पा रहा है, हाँ ये देखिए यहाँ पे है 270 अंश कोण, किस प्रकार का कोण है? हालांकि ये कोण पे आधारित प्रश्न है इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बता दूं तो ये वृहत कोण है, यानी कि 180 अंश से तो बड़ा हो लेकिन 360 अंश से जो छोटा होता है वो कौन सा कोण है? वृहत कोण होता है। वर्ग की 4 अंत कोणों का योग क्या होता है? तो ये भी अभी मैंने बताया नहीं है, बट यहाँ से प्रश्न बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। तो इन चारों वर्ग के चारों कोणों के अंत कोणों का जो योग होता है 360 अंश होता है। वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वो व्यास होती है। ऑप्शन ए इसका भी सही है। यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज का एक ही सवाल आप देख पा रहे होंगे
तिरछे त्रिभुज के दो कोणों का मान 95 अंश है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दो कोणों का मान आपको 95 दिया है, जबकि तीनों कोणों का मान क्या होता है 180। तो 180 माइनस 95 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 95 का तो 100 में से 5 वहां और 80, यानी कितना मान आएगा आपका 85 अंश। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न थे हमने उन्हें सॉल्व किया। ये प्रश्न कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।